दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विंडो 10 टू 11 अपग्रेड। काफ़ी दिन से माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 10 अगर जेन्युइन आपके पीसी में है तो एक अपडेट मैसेज आ रहा था कि शीघ्र ही विंडो 11 का अपग्रेड दिया जाएगा। आज वो अपग्रेड कंप्यूटर पर हमें मिल गया है और हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। तो ये हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आपको पहले दिखा रहे हैं कि विंडो 10 हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, होम एडिशन है और उसके साथ वो डला हुआ है। विंडो 10 64 बिट हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी आपको कहाँ जाना है, सर्च करना है विंडोज अपडेट। जैसे ही आप विंडोज अपडेट सर्च करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपकी विंडो जेन्युइन है तो ऑटोमेटिक एक ऑप्शन दिखाई देगा, वेलकम टू अपग्रेड द विंडो 11। तो आपको उससे पहले नीचे जितने भी बटन दिए हुए हैं विंडोज़ को अपडेट करने के, पुरानी ओएस को, वो सभी आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। उन सभी बटन्स को कंप्लीट करने के बाद आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का बटन मिलेगा। आपको दोबारा दिखा दें, माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी में गए, हमारे कंप्यूटर में इस वक्त विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज एडिशन डला हुआ है। ये नीचे आपको विंडो स्पेसिफिकेशन में दिखाई देगा। यहाँ से आप कंफर्म देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इस वक्त 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है और नीचे आएंगे विंडोज स्पेसिफिकेशन में विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज है। हम इस विंडो 10 सिंगल होम लैंग्वेज को विंडो 11 में कन्वर्ट करेंगे और ये सभी प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जेन्युइन तरीके से किया जाएगा। विंडोज अपडेट में जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, परंतु उससे पहले आप नीचे देख लीजिए चेक अपडेट में कोई पेंडेंसी तो नहीं है, क्योंकि विंडो 10 आपकी ऑलरेडी फुल अप टू डेट होनी चाहिए इस काम के लिए। आप देख सकते हैं यू आर अप टू डेट लिखा आ रहा है मेरे कंप्यूटर में नीचे। और अब हम क्लिक करने जाएंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन पे। सारे के सारे स्टेप हमने इस वीडियो में कवर किए हैं ताकि कोई भी स्टेप किसी का भी पेंडिंग ना रह जाए। यहाँ पर एक बात बता दें, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर और डेटा कंप्यूटर में डला हुआ है वो एज इट इज आपको विंडो 11 में मिल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एज इट इज आपको कंप्लीट डाटा विंडो 11 में मिलेगा। तो आपको किसी बैकअप लेने की आवश्यकता की तरफ क्लिक कर दिया हमने डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर। लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा। विंडोज 11 का जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और नीचे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉलेशन है। आप स्क्रॉल डाउन करके पूरी टर्म एंड कंडीशन रीड कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट स्पीड पर और अपग्रेड टू विंडो 11 स्टार्टिंग हो जाएगा। आपके सामने डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, 0% दिखाई दे रही है। अभी 2% हो गई है। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डाउनलोड किया जाएगा विंडोज 11 का और यह डाउनलोडिंग पहले कंप्लीट होगा 100% तक। जब यह 100% डाउनलोड हो जाएगा फिर इसका स्टेप शुरू होगा इंस्टॉलेशन का। आफ्टर द इंस्टॉलेशन नेक्स्ट प्रोसेस रीस्टार्ट होने के बाद शुरू। तो वीडियो के अंदर हम इस पार्ट को थोड़ा फास्टली मूव कर देंगे ताकि वीडियो लेंथी ना बने और प्रत्येक स्टेप विंडो 10 से 11 तक कन्वर्ट होने में और विद डेटा कन्वर्ट होने में हम आपको दिखाएंगे। एक एक स्टेप कवर किया गया।
किसी भी स्टेप को स्किप नहीं किया गया। यहाँ पर पूरी विंडो डाउनलोडिंग हो रही है आपके सामने, 8% हो गई है और ये डाउनलोडिंग 100% होकर इंस्टॉलेशन चैप्टर पे जाएगी जो आपके सामने भी स्क्रीन पर आने वाला है। ये अब इंस्टॉलेशन 0 पे आ गई है और इंस्टॉलेशन हो गई 73%। आप कंप्यूटर रीस्टार्ट के लिए कहा जा रहे हैं तो हम रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर उस समय कोई ऐप इसके अंदर चल रहा होगा, जैसे मेरा कुछ चल रहा है, तो वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर कोई ऐप चल रहा होगा तो वो स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको, जैसे ये दिखाई दे रहा है। आपको रीस्टार्ट एनीवे पे क्लिक कर देना और आपका पूरा कंप्यूटर रीस्टार्ट होकर चलेगा। यहाँ स्क्रीन पर ऐसा कुछ लिखा आएगा, अपडेट यूअर अंडरवे 0%। ये प्रोसेस भी ऑटोमेटिक होगा। ध्यान रखिए आपका कंप्यूटर पे इस समय बैकअप अवेलेबल होना चाहिए। ये 100% हो गया, स्टेज पे कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए। लैपटॉप पर तो बैटरी चार्ज और चार्जर लगा होना चाहिए। डेस्कटॉप पर तो पावर बैकअप होना चाहिए। इस स्टेज पर कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए। ये अपडेट होगा 100% और कंप्यूटर अब रीस्टार्ट हो रहा है। प्रत्येक स्टेप आपके सामने स्टेप बाय स्टेप लाइन है। कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया, डेल का लोगो आ रहा है। इस प्रोसेस को पोस्ट क्रिया कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जहां कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप अपनी वैल्यू को चेक करता है, सभी पेरिफेरल हार्डवेयर को, और नेक्स्ट वो हार्ड ड्राइव पे बूट होने के लिए दे देता है। तो पोस्ट क्रिया कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर दोबारा विंडो अपने आप को अपग्रेड कर रही है।
पहले डाउनलोड हुआ, फिर इंस्टॉलेशन हुआ, फिर जैसे ही रिस्टार्ट हुआ तो प्रॉपर रिस्टार्ट ना होके पहले उसका अपग्रेड हुआ। आफ्टर द अपग्रेड वो रिस्टार्ट हुआ और उसके बाद दोबारा से वो अपग्रेड हुआ और अभी तीसरी बार अपडेट हो रहा है। ये सभी स्टेप आपको भी विंडो 10 से 11 कन्वर्ट करने में करने पड़ेंगे। और ये फाइनल स्टेप है, इसके बाद आपके विंडोज 11 रनिंग में आ जाएगी। ये देखिए 72% हो गई है। ये स्टेप बड़े ही स्लो होंगे क्योंकि प्रत्येक फाइल को अपग्रेड किया जा रहा है।
विंडो 11 चल के बूट होने के लिए रेडी है। ये फर्स्ट टाइम इसका यूजर रन होने जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम बूट हो रही है इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। ज़्यादा समय लग रहा है, अभी भी यूज़र नेम लिखा हुआ और वेलकम की स्क्रीन पर ही चलता रहे। तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर को शट डाउन या बंद नहीं करना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, OS करप्ट भी हो सकता है। तो ऐसा आपने गाइस बिल्कुल भी नहीं करना। जितना समय ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा है अपनी फाइलों को अपग्रेड करने में, उसे करने दीजिए। के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना। ये फर्स्ट स्क्रीन आ गई है हमारे डेस्कटॉप की। जो स्टार्ट मेन्यू आपको लेफ्ट साइड पे कोने में आते थे, वो विंडोज 11 होते ही आपको मिडल में आ जाए। सभी बटन नीचे की तरफ, ये यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा यूजर नेम था HS लैपटॉप, वो दिखाई दे रहा है। और राइट साइड में देखेंगे नीचे, यही डाउन साइड में, तो आपको शटडाउन का बटन भी मिलेगा। ये बैकग्राउंड पे ब्राउजर में अगर कुछ पहले चल रहा था तो खुल रहा है। ये कुछ हमारे एक्सबॉक्स की सेटिंग ऑटोमेटिक ओपन हो रही है। ये हमारा फर्स्ट डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने आ गया, जो विंडो 10 का नहीं है गाइस, विंडोज 11 का है, जो हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश बटन खोलते हैं, वो मेन्यू थोड़े से चेंजेस होके आए आपके सामने। आप देख सकते हैं गाइस, लगभग लुक वैसा ही है जैसा आपका था। ये नीचे की तरफ सेम फाइल एक्सप्लोरर है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके दिस कंप्यूटर पे जाएंगे तो हम आपको विंडोज में दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर विंडोज फुल तरह से अपग्रेड हो गई है। विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज, ये हमारी विंडो 10 से ये एडिशन, विंडो 10 होम सिंगल से विंडो 11 होम सिंगल कन्वर्ट हो गया गाइस। ये सारा स्टेप हमने आपको करके दिखाया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हम आपके लिए ऐसे विंडो 11 के और भी यूजफुल यूजिंग ट्रिक्स लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई भी पार्ट्स पे आपको कंप्यूटर को या डेस्कटॉप को या लैपटॉप को शटडाउन नहीं करना है, बीच में झटके से ऑफ नहीं करना है। ऐसा करने से आपका डेटा लॉस होगा और जो अपग्रेड प्रोसेस है कंप्लीट नहीं होगा। तो बड़े ही धैर्य से हमने सारे स्टेप आपको वीडियो में दिखाए हैं, इनको यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी बेहतरीन है और फ्री ऑफ कॉस्ट विंडो 10 से विंडो 11 अपग्रेड मिल रहा है। आपको कोई पैसा नहीं देना है, पर वेट करना है। ये डेस्कटॉप के डबल स्क्रीन भी आ रहे हैं इसमें, जैसे लिनक्स में कई टर्मिनल होते हैं उसी तरह से इसमें भी मल्टी डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 इस तरह से आ सही जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ ऐसे फीचर है जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। विंडोज 11 के माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की सेटिंग, ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल पे आपको जल्दी मिलेगी। परंतु पहले इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक दीजिए और शेयर कीजिए। तो अभी तक की वीडियो में गाइस इतना ही। ये कुछ एक्स्ट्रा एप्स भी आए हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे।
कुछ मैसेंजर टाइप ऐप्स आए हैं इसके विंडो 11 के साथ। ब्राउज़र वही एज ब्राउज़र है जो विंडो 10 में आता था, इसमें भी अवेलेबल है अपग्रेड के साथ। आपने देखा पूरा स्टेप गाइस, ये माइक, क्विक एक्सेस, माइक कंप्यूटर, जो सब कुछ था वो आपके सामने है गाइस। सेम डेस्कटॉप, सेम वॉलपेपर, ऑल ओवर इंस्टॉलेशन इन डेटा विल बी अवेलेबल इन लास्ट टाइम इन विंडो 10 यूजिंग। सो गाइस, इस चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें, और जो नीचे बटन दबा है रेड सब्सक्राइब का और बेल आइकॉन का, उनको क्लिक करें। आपका वीडियो देखने के लिए गाइस धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। तो विंडोज़ 11 हमने अपग्रेड कर दिया है 10 से, और आपके सामने सभी स्टेप के साथ। तो गाइस थैंक यू एंड